हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। मेरा नाम है सूरज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम किस तरह का रखना चाहिए, किस प्रकार का रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड आप सबको हम बताएंगे कि चैनल का नाम कैसा रखना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबको टैक्स जुड़ी वीडियो मिल जाएंगी एंड आगे भी आपको नए नए टॉपिक की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस, बिना कोई देरी के चलेंगे अपने टॉपिक पर। एंड दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि जब आप नया यूट्यूब चैनल ओपन करते हो तो आपके लिए बहुत मतलब कि सोचने वाली बात रहती है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखूँ। आप बहुत सोचते हो, आप YouTube पर सर्च करते हो, आप Google में सर्च करते हो, पर आपको कोई नाम नहीं मिलता है। क्योंकि गाइस, मैं आपको बता दूं कि YouTube पर इतने सारे क्रिएटर हैं कि आपको कोई नया नाम नहीं मिल सकता। आप जो नाम दोस्तों आप सर्च करोगे वो आपको YouTube एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बड़ी मुश्किल होती है कि मैं अपने YouTube चैनल का नाम क्या रखूँ। तो दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नया YouTube चैनल ओपन करते हो तो देखिए, आपको अपने नाम का चैनल बनाना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो बना रहे हो, आप मतलब कि रोज़ वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, रोज़ वीडियो बनाकर डाल रहे हो एंड क्या होता है कि आप एक दिन फेमस हो जाओगे तो आपको लोग आपके चेहरे से नहीं मतलब कि पहचानेंगे, आपके नाम से पहचानेंगे कि आपका नाम क्या है। जैसे कि आपने अपने YouTube चैनल का नाम लिख दिया स्मार्ट इंडिया टेक्निकल, तो क्या होगा कि लोग ये पूछ कहेंगे भाई ये स्मार्ट इंडिया टेक्निकल का वीडियो है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये सूरज का वीडियो है या ये किसी और का वीडियो है। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा कि जब आपने YouTube चैनल का नाम रखिएगा तो आपको अपना नाम देना जरूरी है, आपको अपना नाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाम से ही लोग आपको जानेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों, जैसे कि WhatsApp है, Facebook है, Instagram है, आप उसमें अपने प्रोफाइल पर नाम शो करते हो। जब भी कोई मतलब देखता है कि भाई देखो ये मतलब ये इसका नाम शो कर रहा है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, तो आप खुद बोलते हो। तो ये सही दोस्तों, इसी तरह आपका YouTube भी है, आपका YouTube में भी आपको अपना नाम देना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अब आधार कार्ड देना पड़ रहा है एडसेंस अकाउंट के लिए। तो गाइस, क्या होगा कि अगर आपका आधार कार्ड आपके YouTube चैनल नाम से मैच खाएगा तो क्या होगा कि YouTube भी देखेगा कि ये बंदा रियल में काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करो, तो YouTube भी आपका सपोर्ट करेगा। एंड दोस्तों, अगर मतलब कि ऐसा कुछ बात रहेगी तो YouTube आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको नया YouTube चैनल बनाना है तो उसमें आप अपना एक नाम दे दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है गाइस। एंड दोस्तों, उस पर भी आपकी मर्जी हो सकती है कि मैं क्यों दूँ, पर गाइस मैं जहाँ तक आपको सजेशन दूँगा कि आप अपना YouTube चैनल में आप अपना नाम दो, क्योंकि आप मेरा YouTube चैनल का नाम देख रहे हो टेक्निकल सूरज। गाइस, इसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल का नाम था सूरज क्रिएशन, पर दोस्तों अब मैंने चेंज करके टेक्निकल सूरज वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप नया यूट्यूब चैनल खोलो तो आपको अपना नाम देना चाहिए, आपको ज़रूरी भी है। एंड अगर आप फेमस हो जाते हो तो आपके नाम से ही आपको लोग जानेंगे। तो गाइस, ये कुछ बात आपको बतानी थी इस वीडियो में कि अगर आप नया YouTube चैनल ओपन करते हो तो आपको अपना YouTube चैनल का नाम कैसा रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर छोटी से छोटी टेक्निकल वाली बातें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे YouTube चैनल पर आपको टैक्स जुड़ी वीडियो मिल जाएंगी एंड आगे भी आपको नए नए टॉपिक की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।